हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्जी। दोस्तों, कद्दू की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 500 ग्राम कद्दू लिए हैं और इसको जो है छिलकर अच्छे से काट लिया है और पानी से भी बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है। और उसके बाद हमने ये देखिए एक टमाटर लिया है, जिसे हमने मीडियम पीसेस के अंदर काट लिया है। ये दो हरी मिर्ची, इन्हें भी हमने काट लिया है। दो छोटे प्याज, जिन्हें हमने बारीक पीसेज के अंदर काट लिया है। ये एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, ये हमने एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है। ये नमक लिया है, स्वाद अनुसार डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ली है। एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया हमने। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गैस को हमने स्टार्ट कर लिया है और कढ़ाई भी रख दी है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसके अंदर तेल डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है सरसों का तेल हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको बिल्कुल अच्छे से जो है गर्म करेंगे हम। बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है तेल को। तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर डालेंगे जीरा। ये देखिए जीरा हमने डाल दिया है और जीरे को अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, अब इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। देखिए प्याज डाल दिए हैं और प्याज को थोड़ा ब्राउन होने दें। अब इसके अंदर डालेंगे मिर्ची, हरी मिर्ची, और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से जो है हमने मिक्स कर दिया है। अब डालेंगे इसके अंदर कद्दू और कद्दू को जो है तेल के अंदर फ्राई करेंगे बिल्कुल अच्छे से। कद्दू जो है धीरे धीरे ब्राउन हो रहे हैं। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल जो है तेल के अंदर ऐसे ही फ्राई करना हमें। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल दिया है, हल्दी को जो है अच्छे से मिक्स कर दें। हल्दी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, हल्दी पक जाए। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, इन सभी को मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर। देखिए टमाटर डाल दिए हैं और इसको भी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो चिपक ना जाए। देखिए मसाले को बिल्कुल अच्छे से जो है पकाना है हमें। मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो सब्जी का टेस्ट है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है, इस बात का खास ध्यान रखें। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, जितना भी पानी डालना है वो एक बार में ही डाल देंगे। देखिए तो हमने थोड़ा कम ही पानी डाला है। अगर आप ज़्यादा जो है करी बनाना चाहें तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, और इसको जो है ऊपर से अब हम ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, कद्दू की सब्जी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को अलग बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, सब्जी को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।